Hello dear students and all respected viewers, myself Pritam sir, and now we will see the first lesson health, its third part. So dear students, जो हमारा subject है play to learn, उसमें जो पहला lesson है health, इसके हमने दो part पहले देख लिए हैं. इसमें हमने my daily routine देखा था, और उसके बाद my daily routine के बाद हमने क्या देखा था कि एक activity, इसके बाद cleanliness of hand हमने देखा था, फिर activity देखी थी. और ये था हमारा फर्स्ट पार्ट में. फिर सेकंड पार्ट में हमने माय डाइट देखा था कि हमें खाने में क्या क्या रखना चाहिए, है ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, राइस, ये सब चीज़ें. और उसके बाद हमने देखा था कि स्टॉप द बैड हैबिट्स, जो बैड हैबिट्स थे यानी कि जो हम ओवर यूज़ करते हैं मोबाइल, टेलीविज़न, वीडियो गेम का, इनको स्टॉप करना, ये सीखा था हमने. फिर फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है, अगर हम मोबाइल गेम में कम खेलेंगे तो बाहर अगर खेल रहे हैं अगर चोट वोट लगी तो हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और उसमें क्या क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम इसके जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें हमने देख लिया है. और ये वाली एक्टिविटी भी देखी थी कि कौन सी चीज़ हमें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए. तो ये अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ जा कर के देख लीजिए, उसमें मैंने उसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है. आज हम अपने हेल्थ के लिए क्या देखेंगे, क्लीनलीनेस. क्या देखेंगे, क्लीनलीनेस. क्लीनलीनेस मतलब होता है साफ सफाई. तो साफ सफाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे. तो क्लीनलीनेस में देखिए सबसे पहला क्या दिया है, माय स्कूल सराउंडिंग. आप जिस स्कूल में जाते हो तो उस स्कूल का जो सराउंडिंग है, मतलब जो प्लेग्राउंड है या जो आसपास है, जो बेंचेस आप बैठे हो, जिस क्लासरूम में आप बैठे हो, तो उसे हमें क्या रखना है, साफ सुथरा रखना है, क्लीन रखना है. एंड देन माय हाउस सराउंडिंग, मेरे घर के आसपास की भी जो चीज़ें हैं या फिर मेरे घर के अंदर भी जो चीज़ें हैं उसको भी हमें क्या रखना है, बहुत ही क्लीन, बहुत ही साफ सुथरा रखना है. तो इस तरीके से हमने क्लीनलीनेस में देख लिया कि माय स्कूल सराउंडिंग क्लीन होना चाहिए, माय हाउस सराउंडिंग वो भी क्लीन होना चाहिए. देन है हमारा क्लीनलीनेस ऑफ टॉयलेट, जिस टॉयलेट को हम यूज़ करते हैं वो टॉयलेट भी क्या होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए. हमारे पास हार्पिक है कि नहीं, और भी डिटर्जेंट्स वगैरह या फिर जो क्लीनिंग के लिए जो भी लिक्विड आते हैं, फिनाइल वगैरह है, तो उनसे हमारा जो टॉयलेट है वो हमें क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए. अगर आप नहीं कर सकते तो आप अपने पेरेंट्स को बोलिए, आपके जो भी एल्डर्स ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं, उनको बोलिए कि हमारा टॉयलेट कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए. फिर क्लीनलीनेस ऑफ हैंड्स, तो क्लीनलीनेस ऑफ हैंड तो हमने फर्स्ट पार्ट में ही देखा है कितने अच्छे तरीके से कि पानी गिरता रहे तो हमें पूरा रब करते हुए हैंड टू हैंड, फिर फिंगर्स टू फिंगर्स, देन जो बैक साइड होता है उसे सब का सब हमें क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए. एंड देन हमें क्या करना चाहिए, गार्बेज बिन, इसका भी यूज़ करना चाहिए. जो भी कचरा हमारे पास होता है ना, आपके घर में देखिए डस्टबिन वगैरह रखा होता है, स्कूल में भी डस्टबिन वगैरह होते हैं, गार्बेज बिन होते हैं, उनका भी हमें प्रॉपर यूज़ करना चाहिए. अब ये वाला देखिए जो ग्रीन कलर का आपको दिखता है, आपके पार्क में होगा, या पार्क में हो सकता है, आपकी सोसाइटी के बाहर हो, घर के बाहर, या फिर नुक्कड़ वगैरह पे, इस तरीके से दो बॉक्सेस रखे जाते हैं. तो ऐसे दो बॉक्स क्यों रखे गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिखा है ओला कचरा. नहीं आप पढ़ सकते हो अभी, तो आप सेकंड स्टैंडर्ड में हो तो पढ़ ही सकते हो, ओला कचरा मतलब वो ऐसा कचरा जो ओला, ओला मतलब क्या होता है कि जो गीला है, जो वेट गार्बेजेस हैं, उसे हमें किस में डालना है, ग्रीन कलर के बॉक्स में, ग्रीन कलर के गार्बेज बॉक्स में डालना है. और जो सूखा कचरा यानी कि जो ड्राई है ना, जैसे कागज़ वगैरह हो गया या फिर और भी जो चीज़ें ऐसी हो गई, तो उन्हें हमें ब्लू कलर के गार्बेज बिन में डालना है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्लीनलीनेस. आई होप कि आपको एक क्लीनलीनेस में जितने भी पॉइंट्स दिए हैं ये सब के सब अच्छे से समझ में आए हैं कि पहले उस स्कूल के सराउंडिंग को क्लीन रखिए, घर के सराउंडिंग को, इवन घर के अंदर भी सारा सब क्लीन रखिए, टॉयलेट को भी क्लीनलीनेस करके रखना है, क्लीन कर रखना है, फिर अपना हैंड भी क्लीन करते रहिए. ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है गार्बेज बिन, इसमें हमें जो वेट गार्बेजेस होते हैं, जो गीला कचरा होता है, ओला कचरा होता है, वो डालना है. और जो ब्लू कलर का गार्बेज बिन है उसमें हमें सूखा कचरा, वेट गार्बेजेस, सॉरी ड्राई गार्बेजेस, ऐसा हमें डालना है, सूखा कचरा डालना है. और आपको ये चीज़ें हमेशा करती रहनी है. और आप अपना रेगुलरली जो नेल्स वगैरह है वो भी कट करके रखिए, हेयर भी प्रॉपरली कट करके रखिए, ताकि आपका हेल्थ और आप हेल्थ भी अच्छी रहे और आप नीट एंड क्लीन और टाइडी दिखे भी. देन हम आते हैं अपने बॉडी पार्ट्स पे. तो बॉडी पार्ट्स तो आपने कई बार पढ़ा है, जूनियर सीनियर में पढ़ा हुआ है, हेड है, हेयर है, आइज़ है, नोज़ है, माउथ है, लिप्स है कि नहीं, ईयर है, हैंड है, लेग्स है, तो ऐसा बहुत से पार्ट्स को आपने पढ़ा है. बट यहाँ पर देखिए
कुछ एक्टिविटी दी हुई है उसे हम पढ़ते हैं और गेस करने की कोशिश करते हैं. क्या कह रहा है? कैन यू गेस द बॉडी पार्ट्स दैट आर यूज्ड व्हाइल परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. तो आपको गेस करना है कि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, कौन सा बॉडी पार्ट्स जो गिवन एक्टिविटी उसे कंप्लीट करने के लिए यूज़ में होगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बॉय यहाँ पर खड़ा है और उसके हाथ में कुछ तो प्लेट जैसा है. एंड देन नीचे लिखा है थ्रो. थ्रो मीन्स क्या होता है? फेंकना. थ्रो मीन्स फेंकना. तो विच बॉडी पार्ट इज़ यूज फॉर थ्रोइंग समथिंग? तो फेंकने के लिए कौन सा बॉडी पार्ट्स यूज़ होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसको क्या कहते हैं हम, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं हैंड. तो हैंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैंड. एच ए एन डी, हैंड. तो हमारा हैंड यहाँ पर यूज़ होता है. देन यहाँ पर क्या लिखा है? पिक द थिंग्स फ्रॉम द टेबल. अब ये क्या है? हमारा टेबल है. टेबल पे कोई थिंग्स रखी हुई है, उसको हमें पिक करना है. पिक करना मतलब उठाना है. तो अगर कोई भी चीज़ टेबल पे रखी उसे उठाना है तो भी हमें क्या यूज़ करना है? हैंड ही यूज़ करना है. हम हैंड यानी कि हाथ ही यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर जो एच ए एन डी लिखा है मैंने, यही हैंड वहाँ पर यूज़ होगा, यानी कि हमारा हाथ वहाँ पर यूज़ होगा. डन डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं. यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो बॉय है, वो बॉय क्या कर रहा है? वॉकिंग. क्या कर रहा है? वॉकिंग कर रहा है. तो वॉकिंग करने के लिए क्या यूज़ होता है? तो वॉकिंग करने के लिए हमारे फूट यूज़ होते हैं, है कि नहीं? हमारे जो लेग्स हैं, हमारा जो फूट है वो यूज़ होता है. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आप लेग भी कह सकते हैं, एल ई जी, अच्छे से बना, एस लेग्स या फूट, एफ डबल ओ टी. तो हमारे फूट या लेग्स है ना, तो इनका फूट ये सिंगल होता है, फीट आप कर दोगे तो इसका क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा. तो हम वॉकिंग करने के लिए अपने लेग्स का यूज़ करते हैं. एंड देन यहाँ पर जो आपको बॉय दिख रहा है वो क्या कर रहा है? तो वो कर रहा है पिक अप थिंग्स फ्रॉम द ग्राउंड. वो ग्राउंड से कोई चीज़ उठा रहा है. तो ग्राउंड से उठा रहा है तो उसका वेस्ट यानी कि जो कमर है वो भी देखिए झुका हुआ है. और वो किसका यूज़ कर रहा है? अपने हैंड्स का यूज़ कर रहा है. तो हैंड, इसकी स्पेलिंग हमने देखी, एच ए एन डी एस, हैंड्स. इसका यूज़ करके वो क्या करेगा? जो भी थिंग्स ग्राउंड पे रखी है उनको पिक करेगा. और ये सब करते हुए आपकी बॉडी में देखिए मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है. तो मूवमेंट हो रही है तो कौन कौन सी? जब आप हैंड के थ्रू फेंकेंगे, कोई भी चीज़ को थ्रो करेंगे तो हाथ में मूवमेंट होगी, कोई भी चीज़ उठाएंगे तो मूवमेंट होगी. जब आप चलते हैं तो पूरी जो बॉडी होती है उसमें मूवमेंट होती है. तो जब आप ये सब मूवमेंट करते हो तो आपकी बॉडी क्या होती है? और हेल्दी होती है. हम क्यों कहते हैं कि आप ग्राउंड में जाके खेलो? क्योंकि आप सिर्फ घर में पड़े रहोगे तो क्या हो जाओगे? आलसी हो जाओगे, लेजी हो जाओगे. लेकिन जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं? मूव करते हैं, हैंड, लेग्स, है ना, और जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो अपने आप वहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं. तो इसलिए हमें ग्राउंड पर खेलना चाहिए. तो हेल्थ के लिए जो जो नेसेसरी है इस लेसन में हमने कंप्लीट कर लिया. ये थर्ड वीडियो है इस लेसन का और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा कि आपकी हेल्थ के लिए आपका डेली रूटीन अच्छा होना चाहिए, आपके हैंड्स जो हैं वो क्लीन होने चाहिए, आपके डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब होना चाहिए. और उसके बाद हमने देखा कि जो भी ओवर यूज़ हम करते हैं, जो हमारी बैड हैबिट्स है वो भी हमें कम कर देनी चाहिए, हमें अच्छे यूज़ करने चाहिए. कुछ चीज़ें देखिए जो हमें रेगुलरली अप्रोप्रिएट यूज़ करना चाहिए, जैसे सोप हो गया, हैंकरचीफ हो गया, हैंड वॉश हो गया, वॉश बेसिन हो गया. और फिर उसके बाद हमने देखा था कि क्लीनलीनेस, क्या देखा था हमने? क्लीनलीनेस पहले फर्स्ट एड बॉक्स देखा था, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती है, देन क्लीनलीनेस में स्कूल, घर, आपका जो टॉयलेट है वो सब क्लीन होना चाहिए, फिर आपका हैंड भी अच्छे तरीके से क्लीन होना चाहिए, ये हमने देखा. देन हमने बॉडी पार्ट्स के अंदर जो मूवमेंट होती है जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो देखे, और वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इसेंशियल है. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं पूरी आशा करता हूँ कि आपको ये जो भी पहला लेसन है हेल्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा इन तीनों वीडियोस को देखने के बाद. और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक करिए, इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए. चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए. हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.